नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है अपयश कुमार्ग या अपराध की दुनिया में कौन लोग जाते हैं वो हमें मालूम हो सकता है। हमारी हथेली पर रेखाओं के, पर्वतों के कुछ योग संयोग बनते हैं जो इशारा करते हैं कि जातक कुमार्ग पर जा सकता है। आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, यदि आपका ये मरकरी वेल डेवलप्ड हो और साथ में ये आपकी मरकरी फिंगर लंबी हो, लंबी कितना कि इस अपोलो फिंगर के टॉप फ्लैंज के बेस तक पहुंच जाए या क्रॉस कर जाए, इसका मतलब होता है कि जातक के पास तेज बुद्धि है। अगर ये उंगली मोटी है तो जातक के अंदर कामुकता बहुत होगी। यदि यह उंगली अपोलो की तरफ झुक जाए तो ऐसे जातक धन के लिए बड़े लालायित रहते हैं। धन के लिए वो नैतिकता भूल सकते हैं, गलत रास्ता अपना सकते हैं धन कमाने के लिए। अगर ये उंगली, लंबी उंगली इधर मुड़ जाए तो ऐसे लोग अपनी तेज बुद्धि से दूसरों को धोखा दे सकते हैं, फ्रॉजरी कर सकते हैं। अब दोबारा नीचे आइए, यह आपका मरकरी वेल डेवलप्ड। अगर यहाँ पर स्टार है तो पक्की संभावना कि जातक अपनी तेज बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर सकता है, डिस्ट्रक्टिव वे में, कंस्ट्रक्टिव नहीं। ऐसे ही अगर यहाँ पर एक छोटा सा जाल बन जाए, यह भी इशारा कर रहा है कि जातक चोरों की दुनिया में जा सकता है, लोगों को धोखा दे सकता है। ऐसे ही अगर यहाँ से एक व्यापार रेखा जाए और वो जिगजैग हो लहरदार, ये भी इशारा करता है कि जातक अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर सकता है। ये हुआ बुध पर्वत। अब देखिए दूसरा लक्षण, ये आपकी अपोलो फिंगर, ये आपका अपोलो माउंट और ये आपकी सूर्य रेखा। यदि सूर्य रेखा पर आपको कोई क्रॉस मिल जाए, आपको कोई धब्बा मिल जाए, आपको कोई गड्ढा मिल जाए, कोई दीप मिल जाए, तो इस आयु में जातक का अपयश हो सकता है। नाम तो होगा लेकिन विख्यात नहीं, कुख्यात, नोटोरियस। आगे चलिए, ये शनि पर्वत, यह अगर ओवर डेवलप्ड हो जाए तो राक्षस ग्रह है ना, इसके पास बहुत तेज दिमाग है और यहाँ भी तेज दिमाग, अच्छा बुध अच्छा शनि मिलकर योजनाएं शानदार बनाते हैं, अवैध योजनाएं, कंस्पायरी। आगे चलिए, यदि आपका जुपिटर दबा हुआ हो, अच्छा है तो आपको कुमार्ग पर जाने ही नहीं जान देगा, ज्ञान का भंडार है। ऐसे ही जो ये तर्जनी उंगली है ये केवल यहीं तक पहुँचे, छोटी है, मिडिल फिंगर के टॉप फ्लैंज के बेस तक पहुंच रही है, तो उंगली छोटी, गुरु पर्वत दबा हुआ, भरपूर संभावना जातक के पास में अच्छा ज्ञान नहीं है, लाभ हानि का कोई विश्लेषण वह नहीं कर सकता,
को मार्ग पर जा सकता है। आगे देखिए, अब लीजिए ये हॉटलाइन। यदि हाथ में है ही नहीं तो आदमी क्रूर होगा, इमोशनलेस या छोटी है। छोटी मतलब मान लीजिए शनि पर्वत के नीचे से निकल रही है तो इशारा कर रही है कि जातक मनी सेंट्रिक होगा, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरा, भावनाएं नहीं होंगी। तीसरा, बस काम मुक्ता का दीवाना होता है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता। आगे चलिए, ये बेन लाइन। छोटी हो तो खतरा, अगर लंबी है उस पर कोई दोष आ गया, कोई मोल, कोई स्टार, कोई दीप, कोई तिल, कुछ भी अशुभता है तो भरपूर संभावना जातक अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, अपराध की दुनिया में जा सकता है। आगे देखिए, ये भाग्य रेखा। यदि भाग्य रेखा मोटी है और साथ में उस पर अशुभता भी है, अशुभता क्या, कहीं बहुत मोटी हो जाए, कोई यौम बन जाए द्वीप, कोई क्रॉस हो, कोई स्टार हो, कहीं गहरा धब्बा हो, कुछ भी अशुभता है तो पक्का मानिए जातक की जिंदगी बर्बाद, भाग्यहीन अपराध की दुनिया में जा सकता है। आगे चलिए, ये आपकी लाइफ लाइन, इसके साथ में आपका ये एंजल लाइन, देवदूत रेखा, जीवन की रक्षा करने वाली। लेकिन यही रेखा अगर भक्षक बन जाए, मतलब दूषित हो जाए, यानी मुड़े और मुड़ के आपके जीवन रेखाओं काटे और चंद्र पर्वत पर पहुंच जाए तो यह बहुत बड़ी अशुभता। यदि हाथ पतला है तो जातक को विलासी बनाएगी, भोगों में रमाएगी, नशेड़ी भी बना सकती है। यदि हाथ भारी है, हथेली भारी है तो जातक काम मुक्ता का शिकार भी हो सकता है और परिणाम बहुत घातक हो सकता है, इवन एंड, जिंदगी का अंत बहुत ही फैटल। आगे चलिए, ये आक्रामक मंगल। यदि वेल डेवलप्ड नहीं ओवर डेवलप्ड हो जाए तो जातक के पास में शारीरिक ऊर्जा तो ज़्यादा होगी लेकिन गुस्सा बहुत आएगा, गुस्से में आवेश में वह कुछ भी गलत काम कर सकता है, मतलब कुछ भी संभावना। ऐसे ही अंगूठा, छोटा हो मोटा हो, मतलब केवल इस बेस तक पहुँचे तो छोटा मोटा अंगूठा गुस्सा और क्रूरता का प्रतीक है, ऐसा आदमी कोई भी गलत कदम उठा सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो इशारा करते हैं कि जातक को अपयश मिल सकता है, वह कुमार पर जा सकता है, वह अपराध की दुनिया में जा सकता है। एक और छोटा सा कि यदि आपकी भाग्य रेखा आगे बढ़कर शनि उंगली के बेस फलेंज के अंदर घुस जाए तो ऐसा संयोग जातक को बुढ़ापे में बदनामी दिला सकता है। तो ये कुछ लक्षण थे, कुछ जो आपको इशारा करते हैं कि जातक का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसे अपराध की दुनिया से जितना बचाया जाए अच्छा है। तो आशा करता हूँ इन तथ्यों से आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।